कश्यप दल फाउंडेशन की ओर से संचालित भोजन वितरण कार्यक्रम मंगलवार को लगातार 12वें दिन भी जारी रहा। 12वें दिन नगर निगम से पार्षद पुष्पा शर्मा ने आकर संगठन कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि इस समय देश और प्रदेश के साथ साथ हमारा शहर भी कोरोना संक्रमण की मार झेल रहा है। हरिद्वार वासियों के अधिकांश व्यवसाय पर्यटकों तथा यात्रियों पर आश्रित है, लेकिन महीनों से लॉकडाउन की मार झेल रहे आमजन के सामने कई समस्याएं खड़ी हो गई है, जिसमें खाने की भी पहली बड़ी समस्या है। ऐसे में कश्यप दल के सभी कार्यकर्ता अपने स्तर से इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने का जो कार्य कर रहे हैं वह बेहद सराहनीय है। इस दौरान संगठन के महासचिव सोनू कश्यप ने कहा कि आज हमने आलू चावल से करीब 500 लोगों को भोजन कराया है। इस अवसर पर कश्यप दल फाउंडेशन के अध्यक्ष अरुण कश्यप, संगठन मंत्री नीरज कश्यप, उपाध्यक्ष रश्मि कश्यप, दीपक कश्यप, सचिव मोहित प्रधान, नीतू कश्यप, प्रवक्ता मयंक भारद्वाज, वर्ष अमनदीप, मुफत आलम तथा हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र सैनी आदि रहे। कश्यप दल फाउंडेशन का आज 12वां दिन है भोजन वितरण का, और आज मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती पुष्पा शर्मा हमारे बीच पहुंची हैं, जो अपने आप में जानी मानी हस्ती हैं और नगर निगम से पार्षद भी हैं। स्वागत है पुष्पा शर्मा जी आपका। जी, आप कश्यप दल फाउंडेशन के भोजन वितरण कार्यक्रम में पहुंची हैं, तो कैसा अनुभव आपको लग रहा हो रहा है? अभी आप खाने का कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, किसी के पेट में खाना खाने से। आपके पति एमआर शर्मा जो जाने जो देश भर में जो है ख्याति प्राप्त वैद्य हैं और वरिष्ठ समाज सेवा भी है, सेवक भी हैं इस जनपद भर के, तो वो भी आपको कहने में प्रेरित करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सपोर्ट करते हैं, इस मंच के माध्यम से आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना संक्रमण का? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, जैसे कि आपने सब ये सुविधा चलाते हैं संगठन के द्वारा, सब ऐसे करें तो फिर महामारी का सब चीज़ से जीत जाएंगे, खाने से क्या हर किसी चीज़ से, मतलब पीछे नहीं।